नमस्कार, मैं निकिता वाग्दे स्टार एफएक्स न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूं। देखते हैं आज का स्टार का वार। रिफेल प्लान सौदे पर मोदी सरकार पड़ी मुश्किल में, कांग्रेस ने किया बीजेपी के सौदे की गोपनीयता पर वार। अब बीजेपी के लिए मुश्किल यह है कि कांग्रेस ने अब सरकार के खिलाफ रिफेल डील को लेकर मोर्चा खोल दिया है। राहुल गांधी ने इस रक्षा सौदे पर निसर्फ घोटाले का दावा किया है, बल्कि सीधे तौर पर इस डील में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। कश्मीर की महबूबा सरकार वादा करके भूल जाते हैं तो वादा करते ही क्यों है। 12 सीआरपीएफ नौजवानों की जान बचाने वाला ना घर का ना घाट का। नोएडा की फिल्म सिटी में एक नौजवान और एक साथ में एक बुजुर्ग दोनों हाथ में एक प्ले कार्ड लेकर उसमें लिखा था, वी वांट जस्टिस, आई सेव्ड 12 सीआरपीएफ मैन रिसीव्ड पेन्यूल्स। पूछने पर पता चला कि युवक का नाम मोहम्मद रफीक खुशा है और इन्होंने पिछले साल जवानों की जान बचाकर खूब तारीफ पाई है। उन्हें सरकारी नौकरी मिलेगी ऐसा कहा गया था, लेकिन महबूबा सरकार वादा करके भूल गई। आखिर क्यों पुलिस कर्मियों ने लौटा दिए बुलेट प्रूफ जैकेट। आखिर क्यों पुलिस कर्मियों के जीवन के साथ सरकार कर रही है खिलवाड़। 1430 जैकेट निर्माताओं को वापस कर दिए गए। इन जैकेटों को इसलिए वापस कर दिया गया क्योंकि प्रशिक्षण पूर्वन 1 से 47 गोलियां इनमें से होकर गुजर गई। आतंकवादियों का कहर, अब फिल्म इंडस्ट्री पर सोनू निगम को मिली धमकी, बढ़ाई गई सोनू निगम की सुरक्षा। पाक के कट्टरपंथी समूह उन्हें निशाने पर लिए हुए हैं। उन्होंने गायक को जान से मारने की धमकी दी है, जिस वजह से उन्हें सुरक्षा बढ़ाई दी गई है। 2017 के ट्वीट के बाद उनकी मुसीबतें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। भारतीय टीम की महिलाएं भी है तैयार, अफ्रीका को सीरीज में हराने के लिए आज होगा मुकाबला। आज भारतीय पुरुष और महिला टीम दोनों साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे में आमने सामने होंगी। सीरीज के पहले मैच में बड़ी जीत से उत्साहित महिला टीम बुधवार को सीरीज जीतने के लिए उतरेंगे। हांगकांग को बैडमिंटन टीम चैंपियनशिप में हराकर टीम इंडिया ने साबित कर दिया कि भारत से पंगा पड़ेगा महंगा। ओलंपिक रजत पदक विजेता पीवी सिंधु ने अगुवाई में भारतीय महिला टीम ने एशिया बैडमिंटन टीम चैंपियनशिप में सकारात्मक शुरुआत करते हुए हांगकांग को 3-2 से हराया। सिंधु ने अपनी उपयोगिता साबित करते हुए पहले एकल मैच जीता और फिर एन सिक्की रेड्डी के साथ मिलकर युगल मैच में भी जीत हासिल कर दी। पारशिवनी तालुका में पिता ने किया अपने ही बेटे का खून। बेटे के दारू की लत से परेशान होकर पिता ने किया यह खून। दारू पीकर घर वालों को जान से मारने की धमकी देता था, इसी डर से पिता ने 6 तारीख को दुपट्टे की मदद से गला घोटकर हत्या कर दी। हमारे संवाददाता जेसी रितेज भगत, इनसे खास बातचीत में डीएसपी जोन 3 नागपुर राहुल माखनीकर, जेएसआई अफसर और अध्यक्ष ब्रिजमोहन तिवारी जी के मौजूदगी में स्टार एफएक्स के माध्यम से युवाओं को दिया संदेश। आपके व्यूज आप अगर जाहिर करना चाहेंगे हमारे ऑडियंस के सामने जेसीआई के लिए तो इफ यू कैन से समथिंग अबाउट जेसीआई। जेसीआई एक बड़ी अच्छी संस्था है जिसमें सोशल टच हमें देखने को मिलता है। डाउनट्रोडन पीपल के लिए या समाज में पर्सनैलिटी डेवलप के लिए जो करना उचित लगता है, उन सारे पहलुओं को देखकर जेसीआई के मैं प्रोग्राम भी देख रहा था, तो आई थिंक इट इज़ एन एक्सलेंट टू डेवलप आवर पर्सनैलिटी। सो एज आई बिलोंग्स टू नागपुर जेसीआई चैप्टर, सो आई वुड लाइक टू आस्क यू समथिंग अबाउट नागपुर जेसीआई। नागपुर जेसीआई के लिए अभी हमने जो पत्रिका यहाँ प्रकाशित की, उन्होंने साल भर में वो क्या क्या प्रोग्राम करना चाहते हैं इसका पूरा ब्यौरा इसमें उन्होंने दिया है। काफ़ी अच्छे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए हैं, इसके पहले भी उन्होंने बहुत से अच्छे किए थे, ये साल भी उनका एजेंडा काफ़ी अच्छा रहेगा ऐसे लगता है प्रोग्राम से, तो इट इज़ वंडरफुल। थैंक यू सर। हमारा देश का ढांचा और संविधान देखा जाए तो संविधान में ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया है कि सामाजिक और आर्थिक स्तर पे इक्विलिब्रियम यानी इक्वेलिटी होना चाहिए। उस हिसाब से बहुत से प्रोग्राम हमने किए ही, लेकिन उस हिसाब से भी हमने प्रोग्राम थोड़े से ऑर्गेनाइज करना चाहिए ऐसे हमें लगता है। What is your message to youngsters of our nation? जिंदगी में संघर्ष के बिना कुछ नहीं होता है, विवेकानंद भी कह चुके हैं, क्योंकि युवाओं के एक प्रेरणा स्थान और आदर्श स्थान रहे हैं। वो कहते हैं कि संघर्ष जितना बड़ा होगा जीत उतनी शानदार होगी,
तो संघर्ष करना चाहिए, और संघर्ष के लिए एक अच्छी पर्सनैलिटी खुद की डेवलप होना चाहिए। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए JCI जैसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल थैंक यू।